सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रोहित रायडे चैनल। फिर से आपका चैनल में स्वागत करता है आप आर रोहित रायडे चैनल। तो फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि पल्सर 220 लेना चाहिए या पल्सर 250F लेना चाहिए। तो इस बाइक का जा रहा है मतलब सारा डिटेल्स गाइस मैं बताने वाला हूँ, क्या कीमत है, क्या आपको मिलेगा पावर, सारा डिटेल्स गाइस मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना कि मेरा वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखो, पल्सर 250F अभी हाल ही में लॉन्च किया है, क्योंकि पल्सर 220 को अभी डिसकंटिन्यू करने वाला है कंपनी, तो उसी का एक मतलब बड़ा भाई निकाल चुका पल्सर F250। तो पल्सर F250 का दो कलर है, एक आप देख सकते हैं ग्रे कलर और एक कलर है रेड कलर। तो अभी फिलहाल रेड कलर नहीं है शोरूम में, मैं आपको नहीं दिखा सकता। तो बात करते हैं दोनों का फीचर्स, दोनों का प्राइस, दोनों का क्या डिफरेंस है बाइक में। तो बात करते हैं सबसे पहले पल्सर 220। तो पल्सर एक 220 लेजेंड बाइक है, जब से ये लॉन्च किए तब से ये बाइक बहुत ज़्यादा ही मतलब धमाल मचाने लगता है, क्योंकि इसका जो लुक्स डिज़ाइन हर किसी को पसंद है। एक मतलब छोटा हाफ फेयरिंग बाइक आपको अगर लेना है तो पल्सर 220 इन बेस्ट बाइक है, क्योंकि इसका जो कीमत है बजट वो हर किसी का दिमाग में आ जाता है कि मुझे मैं अगर मेरे पास है बजट 1.5 लाख के अंदर तो ये बाइक सबसे बेस्ट है पल्सर 220F। और इसमें आपको क्या क्या मिल जाता है मैं बता रहा हूँ। इसमें आपको सिंगल चैनल मिलता है ABS और 5 गियर मिलता है, एयर कूल मिलता है आपको इंजन, और बहुत ही बढ़िया बाइक है गाइस। एंड मतलब पावर भी ठीक ठाक है, 20 BHP मिल जाता है तो ठीक ठाक है। लेकिन अभी से जो जब से लॉन्च किया है कंपनी तब से इसका मॉडल वही सेम है। तो अभी फ़िलहाल बजाज ने फिर उसको अभी डिसकंटिन्यू करके पल्सर 250F को अभी लॉन्च किया। तो पल्सर 250F में आपको फुल्ली मिलता है LED लाइट, आगे पीछे टेल लाइट सब आपको मिलता है LED। इसका लुक्स डिजाइन में इसको हाल ही में लॉन्च किया पल्सर 250F, एक मतलब इसको भी एक लुक्स में लॉन्च किया है अपना, मतलब 1.5 लाख का मतलब 2 लाख का अंदर में। तो बात करते हैं इसका फीचर्स, तो बात करते हैं इसमें भी वही सेम मिलता है जो आपको मिलता है पल्सर 220 में। तो आपको भी इस बाइक में 250F में आपको मिलता सिंगल चैनल ABS, लेकिन ये घटिया किया डुअल चैनल देना चाहिए। इस बाइक में आपको 5 गियर मिलता है, ये मतलब ये भी किया घटिया, इसमें 6 गियर देना चाहिए। और इस बाइक में क्या कमी है, इसमें एयर कूल इंजन है, क्योंकि 250 का CC में कम से कम देना चाहिए कंपनी को, बजाज वालों को, लिक्विड कूल इंजन, ये कमी कर दिया। और इस बाइक में क्या कमी, बहुत सारे कमी है लेकिन अभी मैं क्या बताऊँगा, अभी मैं नहीं बताऊँगा। लेकिन हाँ, बाइक ज़बरदस्त दिखता है और जाके आप एक बार शोरूम में विजिट कर सकते हैं इस बाइक को। लेकिन पीछे का भी टायर ठीक ठाक है, आपको RS 200 का मिलता है टायर, 130 R70 का टायर मिलता है, आगे का आपको 100x100, जिसमें पल्सर 220 में आपको मिलता है पीछे का 120 सेक्शन, आगे का आपको 90x90 सेक्शन का मिलता है। तो टायर में आपको पल्सर 250 का F थोड़ा मतलब आपको ग्रिप ज़्यादा भी, लेकिन उसका चौड़ाई ज़्यादा है और ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है। इसमें आपको डिजिटल एनालॉग मिलता है, और आपको जो पहले पल्सर 220 में भी आपको वही चीज़ मिलता है डिजिटल एनालॉग, लेकिन अभी ये लेजेंड लॉन्च किया है 250F में आपको नया आपको सारा डिटेल्स का ऐसी दिखने को मिलता है। इसमें आपको गियर का भी आपको मिलता है, इंडिकेटर मिल जाता है, जो आपको 220 में आपको नहीं मिलता है। लेकिन 220 ठीक है, वो गाड़ी एक लेजेंड बाइक है, हर किसी का दिमाग में आता है कि मैं एक हाफ फेयरिंग बाइक लूँगा तो कौन सा लूँगा, तो 220 एक बेस्ट बाइक है मेरे लिए। तो सेम ही अभी लॉन्च किया पल्सर बजाज का F250, सेम आपको मतलब वही डिटेल्स मिलता है, इसमें भी हाफ फेयरिंग मिलता है, लेकिन हाँ इसमें आपको आगे का हेडलाइट वो सिंगल हेडलाइट मिलता है, प्रोजेक्टर लाइट, ये देखने में बहुत खूबसूरत लगता है और बहुत ही बढ़िया बाइक है, देखते हैं कब तक चलता है। पीछे में आपको मिलता है LED लाइट, लुक्स डिजाइन में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। तो बात करते हैं कीमत में, कीमत में भी आपको मिनिमम 8,000 का फ़र्क है, जो पल्सर 220 का है कीमत 1,62,000 समथिंग कुछ है, और पल्सर F250 का 1,70,000 कुछ उसका है कीमत। तो ज़्यादा कोई नहीं है डिफरेंस, आप कौन सा लेना चाहते हैं। अगर आपको 220 लेना है तो आप जाके जल्दी ले सकते हैं, क्योंकि अभी शोरूम में कुछ ही बाइक है स्टॉक, क्योंकि अभी इसका प्रोडक्ट बनाना बंद कर दिया, क्योंकि इसको डिसकंटिन्यू कर रहे हैं तो इसका प्रोडक्ट बंद कर दिया, तो कुछ ही बाइक अभी है। तो आपको लेना है तो जल्दी कीजिएगा, और अगर आपको पल्सर लेना है 250F तो वो आपको जाके अभी ले सकते हैं, क्योंकि इसका बुकिंग भी है और बुकिंग आप जाके बस करवा सकते हैं 5,000 देके। बहुत ही बढ़िया बाइक है, अभी ये नया मॉडल है तो नया हर चीज़ मतलब देखने में अच्छा भी लगता है गाइस।
पल्सर ओई 220 पुराना मॉडल है, मतलब कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है तो उसमें मज़ा नहीं। लेकिन अभी ये हाल में लॉन्च किया पल्सर F250, ये अभी नया मॉडल, तो आपको देखने में भी अच्छा लगेगा। कहीं भी जाकर लेके जाएंगे तो आपको भाई लोग जरूर घूम के देखेगा कि कौन सा बाइक है। तो बस ये था गाइस, ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है बाइक में। आप पावर और आपको पल्सर 220 में आपको 20 BHP मिल जाता है, जिसमें आपको पल्सर F250 में 24 BHP मिलता है, मतलब आपको 4 BHP आपको पल्सर F250 में आपको ज़्यादा मिलता है, और टॉर्क भी आपको ज़्यादा मिल जाता है पल्सर F250 में। तो बस ये था, चलो चलते हैं, बाइक सेम है, लुक्स कोई ज़्यादा नहीं है, तो चलो चलते हैं। जय हिंद एंड जय भारत।